हेलो दोस्तों, आज सुबह सुबह ही कॉल आया भैया लोग का कि हम लोग का जो 80 घाट पर स्टॉल लगता था वो नगर निगम वाले ले गए हैं। लेकिन उस टाइम सुबह सुबह हम लोग खाना उना खा रहे थे तो नहीं गए। अब दोपहर हो गया है, निकल रहे हैं हम लोग, जा रहे हैं 80 घाट। देखते हैं क्या हुआ है, कहाँ लेके गए हैं। हम लोग को कुछ पता भी नहीं है नगर निगम का ऑफिस कहाँ है, लेके क्या तो चले गए ताला तोड़ के। तो वहीं जा रहे हैं, देख रहे हैं कितना पैसा लगता है, दे रहा है कि नहीं। बोलो, बड़ी परेशानी है जीवन में, बहुत ज़्यादा। सही में हम लोग जितना कमा नहीं रहे उससे ज़्यादा तो लग ही जाएगा। हम लोग सोमवार के दिन नहीं गए थे और आज पता चला सुबह सुबह ही के लेके चले गए। आज सोचे थे कि हम लोग चलेंगे दुकान खोलने, लेकिन अब ऐसा हो गया तो आज दुकान भी नहीं खुल रहा। तो चलिए पता लगाते हैं कहाँ लेके गए हैं। तो पहले 80 घाट चलते हैं, देखते हैं वहाँ पर है कि नहीं, आप फिर अगल बगल वाले से पूछेंगे। बगल वाले भैया फ़ोन किए थे सुबह में दुकान वाले, चलो साथी बैठो, चला जाए जल्दी। चलिए हम लोग आ चुके हैं अपनी दुकान 80 घाट पे, लेकिन देख सकते हैं यहाँ पे हमारी दुकान नहीं है, यहीं पे रहता था, लेकिन सिक्कर तोड़ के ताला तोड़ के लेके चले गए। तो यहाँ पे आने के बाद पता चला कि सिगरा में उनका ऑफिस है, वहाँ पे जाना पड़ेगा। पता नहीं देंगे भी कि नहीं, अब पता नहीं, देखिए क्या होता है। ये देखिए बैठे हुए हैं, क्या जाए बताओ, चल पूछो ना जी, थे ना क्या क्या हुआ है। कल आप तो 2 बजे आया था बोलोगा, वही 12 बजे। और बताइए हम लोग क्या करें, माथा खराब खराब कर दे रहा है साला। कमाएगा नहीं उसे फोर देंगे साला, सब सामान इधर उधर कर दिया होगा, तोड़ फोड़ दिया होगा। वो ठेला दिवा दीजिए आप लोग हमको, नहीं भाई काउंटर नहीं देंगे, हमको ठेला एक दिवा दीजिए, बढ़िया ठेला डगराने वाला। हम लोग को लग रहा है ना ठेला ही लेना पड़ेगा, क्योंकि बार बार हटा लेंगे, पार्किंग में लगा देंगे, जो पैसा लगेगा दे देंगे हम लोग इसको। देखिए ये भी जॉब है, क्या किया जाए अब, तुम बताओ। चला जाए सिगरा, हाँ सिगरा। और लोग भैया से एक बार बात कर लीजिए ना, बात कर जानकारी होगा कि क्या जो भैया यहाँ पे जगह दिलवाए थे ना, उनका शायद जो नगर निगम में पहचान है, बात कर लेते हैं, वो भी कुछ बात कर लेंगे। वैसे हम लोग भी चले जाएंगे वहाँ पे, देखते हैं छुड़वाने में कितना पैसा लगता है, क्या होता है। हम पीयूष बोल रहे हैं, वो कपल चाय वाला बोल रहे हैं कि हमारा काउंटर वाला लेकर चला गया सब, वो लोग नगर निगम वाला, नगर निगम वाला वहीं रखे थे, यहीं लगाए थे। और वो लोग था, हाँ सब काउंटर वाला लेकर चला गया, तो सामान तो उसी में था। अब नगर निगम वाला ये लोग तो बोल रहे हैं अगल बगल वाला गोलगप्पा वाला कि ऑफिस में ले गए होंगे सिगरा लाद उद कर सब। अभी तो हम तो यहीं पर हैं दुकानिये के पास, लेकिन देखें कि दुकानें नहीं है। हाँ तो भैया हम कहाँ जाएं, अब सिगरा ऑफिस में जाएं? हाँ सिगरा ऑफिस जाना ही पड़ेगा। हाँ तो ठीक है, जा रहे हैं हम दोनों लोग, सिगरा ऑफिस जाना पड़ेगा, चलो चला जाए। तो दोस्तों चलिए हम लोग यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं सिगरा में ऑफिस, देख लेते हैं कहाँ है, कल जाके छुड़ा लेंगे। चला जाए ना सिगरा ऑफिस पहले, चला जाए सिगरा चौराहा पर जाकर ना, आप पूछना पड़ेगा कि ऑफिस कहाँ है। चलिए चलते हैं पूछ के, हम लोग तो देखे भी नहीं है, पूछ के जाएंगे। ऐसा कुछ ना कुछ हम लोग के साथ ना होते रहता है। बैठो बैठो। तो हम लोग रथ यात्रा चौराहा पे पहुँच चुके हैं और ये मैप पे देख रहे हैं कि कहाँ है नगर निगम। 850 मीटर है यहाँ से ना, शहीद उद्यान श्री नगर निगम है सिगरा चौराहा से 24। ये तुम हाथ में पकड़ लो ना, पकड़ते रहना बाइक चलाते रहेंगे, जैसे लड़का जो जा रहा है ना। चलते हैं हम लोग ऑफिस में, सुना जैसे लड़का जा रहा है ये वाला, वो पता है। हाँ लो पकड़ लो। हम लोग आ चुके हैं नगर निगम ऑफिस में, देख सकते हैं यही ऑफिस है नगर निगम का, ये देखिए काफी परेशान हुए हैं हम लोग गूगल पर लोकेशन मैप पर देख जाके इधर इस गली में उस गली में, लेकिन खोजिए लिया है। तो चलिए अंदर चलते हैं और बात करते हैं, देखिए क्या होता है। नगर निगम देख सकते हैं वहाँ पर लिखा हुआ है नगर निगम वाराणसी, नगर निगम वाराणसी। चलिए अंदर चलते हैं बात करते हैं। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं नगर निगम ऑफिस के अंदर और इधर ही सारा सामान है, इसी में हम लोग का भी सामान होगा, देख सकते हैं पूरा ये सब लाए हैं, वही सब सामान है ये देखिए। चलिए ढूंढते हैं हमारा कहाँ है, बोले हैं ऑफिस तो बंद हो गया, अभी नहीं होगा, सुबह में आना पड़ेगा, लेकिन देख लेते हैं हम लोग का स्टॉल है कहाँ। पूरा अंधेरा है, देखिए सबका स्टॉल है, देखिए यहाँ पर भी स्टॉल है।
इतना सारा है ना, इसमें ढूंढना पड़ेगा कहाँ है हम लोग का। स्वाति इसमें नहीं है। हाँ कहाँ से फेंक दिया है पता हाँ? नहीं यहाँ पर एक वक्त के बढ़िया बढ़िया काउंटर है स्वाति। देखिए बहुत सारा काउंटर लाए हैं सब। हम लोग का कहाँ है? कहीं तोड़ फोड़ नहीं ना दिया है पता नहीं है। हम लोग का काउंटर यहाँ पे है ही नहीं। काउंटर हम लोग का तोड़ फोड़ दिया होगा स्वाति, दबाव आ दिया होगा। देख रही हो सब जैसे मन तैसे फेंक फाक दिए हैं और पता नहीं क्या क्या बर्बाद हुआ होगा। काउंटरों खत्म ना हो जाए। ये देखिए खैर चलिए चलते हैं, देख लेंगे वीडियो बनाते तो और गुस्से करेंगे। तो हम लोग अंदर से तो घूम लिए लेकिन काफ़ी ढूंढने के बाद भी हम लोग का स्टॉल नहीं दिखा। सोचे कि देख लेते हैं कुछ हुआ तो नहीं है लेकिन नहीं दिखा स्टॉल। तब हम लोग निकलेंगे घर के लिए। बोले हैं कि कल आइएगा 9 बजे से पहले और अपना ठेला ले जाइएगा, तो कल ही हम लोग आएंगे सुबह में जितना जल्दी हो सके आएंगे, क्योंकि बाकी ठेला ना सब टूट फूट गया है। तो हम लोग भी आ जाएंगे वरना कल तोड़ फोड़ ना दे। देख सकते हैं बाइक निकाल रहे हैं। कल सुबह में खाना बने आना बने आ जाना है 8, 8:30, 9 बजे आ जाना होगा पहले, 9 बजे से पहले। नहीं तो 10 बजे के बाद अगर आएंगे, अगर थोड़ा सा भी लेट होगा तो वो लोग यहाँ से निकल जाएगा। कल सुबह ही आना पड़ेगा। चलिए निकलते हैं यहाँ से हम लोग। अब हम लोग निकल रहे हैं घर। बाबू को ठकनी है, देखिए ऐसा ही ले जाते हैं बाबू को ठकनी। हम लोग वहाँ से तो आ गए, चलिए रूम में चलते हैं। बोले तो हैं कि कॉल अब मिलेगा, चलिए अब पहले रूम में चलते हैं, ठंडक बहुत ज़्यादा लग रहा है। और बाबू भी ना ये देखिए सोई हुई है। खा के जल्दी सो जा तब ना जल्दी जगेगी। तो बोले हैं कि कल सुबह में आइएगा 9 बजे से पहले आपका छूट जाएगा और चालान कटेगा, जो पैसा रहेगा वो भरिएगा। अब देखिए कल कितना पैसा लगता है। और वहाँ पे गए ना हम लोग अपना स्टॉल देख रहे थे कि देख लेते हैं टूटा फूटा तो नहीं ना है, और लेकिन मिला तो नहीं, काफ़ी ढूंढने के बाद भी नहीं मिला। समझ लीजिए जितना वहाँ पे बहुत सारा ठेला दुकान बहुत सारा है और सब तोड़ फोड़ के वैसे ही रखा गया है, जैसे मन वैसे ला रहे पटक दे रहे हैं। अब हम लोग का भी क्या क्या उसमें नुकसान हुआ है क्या हुआ है, अब देखिए कल जाने के बाद पता चलेगा जब हम लोग का स्टॉल मिलेगा। बोले तो हैं कि कल मिल जाएगा, देखिए कितना पैसा लेते हैं। एक मुसीबत ख़त्म नहीं होता है कि दूसरा मुसीबत आ जाता है। बुलाए हैं कल सुबह ही, तो सुबह ही निकलना होगा। बाबू को तो मालिश कर दी, अब जाने इसको भी सुलाने। देख सकते हैं अभी तक जगी हुई है, ये देखिए देखिए कैसे चौकी हुई है, बहुत बदमाश है, जल्दी सोती नहीं है। और अब टेंशन ये भी है, हम लोग सोच रहे हैं कि अब नहीं होगा तो ठेला ही लेना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे स्टॉल रखेंगे तो फिर दोबारा ले जाएंगे। वहाँ पे आसपास के भैया लोग बता रहे थे कि एक बार तो ले जाने पे दे देंगे लेकिन फिर दोबारा पकड़ेंगे तो नहीं देते हैं। तो देखिए अब क्या होता है, ठेला लेना पड़ेगा कि क्या, क्योंकि स्टॉल इतना भारी है ना कि बार बार वहाँ से हटा लगा नहीं सकते हैं, बहुत ज़्यादा भारी है। यह एक स्टॉल में सामान रहता है तो सेफ रहता है, लेकिन ठेले पर रखना है तो मान लीजिए रखेंगे खुले में सामान क्या हो जाएगा, क्या नहीं, कौन 24 घंटा तो रहेंगे नहीं, पार्किंग में भी लगाएंगे तो कोई वो तो है नहीं कि सामान सब रहेगा अच्छे से, उसमें अच्छा से रहता था, लेकिन अब लग रहा है कि ठेला ही लेना पड़ेगा। खैर कल जाते हैं वहाँ नगर निगम के ऑफिस में, देखिए कल क्या होता है। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि नगर निगम वाले के पास पहुँचे और वो हमारे मजबूरी समझे और हमारा ठेला वापस कर दें। आपके बस एक शेयर से हमारा ठेला वापस मिल सकता है, तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि उनके पास पहुँच जाए।